दोस्तों, अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आप पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन के तरफ दोस्तों जा सकते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में। एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसके मदद से आप घर बैठे मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम लोन टर्म के साथ। रनिंग डिटेल्स में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से लोन सर्व करती है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से लास्ट में सोच समझ के लोन से अप्लाई करिएगा और किस एनबीएफसी के तहत ये लोन प्रोवाइड कराती है इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन से अप्लाई करिएगा। दोस्तों, मैं हूं उमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ये लोन से अप्लाई करेगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल न्यू लोन एप्लीकेशन को लेकर। बहुत सारे लोगों को क्वेरी थी भाई न्यू एप्लीकेशन का रिव्यू करें, भले वो 7 दिन के लिए हो, चाहे वो 14 दिन के लिए हो, चाहे वो 15 दिन के लिए हो, कहीं से भी हो, पर एक न्यू लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करो और मुझे बताओ कि एप्लीकेशन किस तरह से ये लोन सर्व करती है, क्या एप्लीकेशन ये सही है, क्या हमें इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। यहाँ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। अब लोन लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। सब कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से दोस्तों सोच समझ के लोन्स अप्लाई करिएगा। दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आप पड़ी है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का लोन देने की दावा करती है। यहाँ पर बात करें दोस्तों इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में, तो 2.9% से लेकर 26% तक सालाना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा भाई 95 दिनों से लेकर 365 दिनों का समय भी हम दे सकते हैं लोन भुगतान करने के लिए, लेकिन वाकई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में, जो कि एनबीएफसी के तहत ही लोन्स प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, सावित्री प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी के द्वारा ही आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड अप्रूव है। इन्होंने कुछ इस तरह से अपने एनबीएफसी पार्टनर बता रखा है। दोस्तों, वहीं पर सवाल उठ के आती है कि क्या हमें इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहिए, तो उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और कहीं ना कहीं आपकी मंथली इनकम का सोर्स है, तो आप डेफिनेटली किसी भी लोन एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले 10 बार अपने हिसाब से सोच ले कि क्या आपको लोन के वाकई में रिक्वायरमेंट है भी या फिर नहीं, या फिर शेड्यूल के लोन आप ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन लोन लेना काफी आसान हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर लोन को रिपेमेंट करना नहीं चाहते हैं और उन्हें कॉल करके हरासमेंट भी करी जाती है। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं वो वही 7 दिन के लिए ही लोन्स प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों लोन्स प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। 6 से 7 दिनों का समय आपको मिलता है लोन भुगतान करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है लोन तो आपको मिल जाएंगे, इमरजेंसी में आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन से लोन लेकर अपने काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यही होगा कि आपको कम से कम समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए और काफी सर्विस चार्ज भी लेती है। और ऐसे एप्लीकेशन से जब आप लोन लेते हैं तो सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई किया करिए, लोन लिया करिए। मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करना। आधार पैन के साथ एप्लीकेशन ये दोस्तों लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है, पूरे भारत में लोन सर्व करती है। आप इस एप्लीकेशन को फेक एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का एप्लीकेशन जो होते हैं 6 से 7 दिन के लिए लोन्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो लोन तो आपको 100% मिलेगी, लेकिन ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर वाकई में पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर किसी भी चीज के लिए घर बैठे लोन ले सकते हैं, जिसमें की एक्सपेंस या फिर किसी तरह का बिल पेमेंट्स, रेंट, मेडिकल एक्सपेंस के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह कोई क्वेरी या पूछताछ करना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है, जैसा कि इन्होंने खुद इस तरह से दावा किया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी भी एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है।
हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस एनबीएफसी के तहत लोन प्रोवाइड करा रही है। हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कितने दिनों को लोन टर्म हमें मिल रहा है लोन भुगतान करने के लिए। अगर इन फ्यूचर कभी भी लोन अप्लाई करते हैं तो सोच समझ के ही लोन्स के लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि 6 से 7 दिन का समय आपको यहाँ पर मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है, तो सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करिए। इस पैसे से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑन टाइम पेमेंट जरूर करेगा, नहीं तो कॉल करके आपको हरासमेंट भी करी जाती है। जैसा कि लगभग सभी लोग जानते हैं, लोन देती ही है, पर उसे समय से लोन को जरूर भुगतान करिएगा। दोस्तों, ये था लोन मार्केट एप्लीकेशन के नाम से, जो कि बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है। 4.5 के साथ एप्लीकेशन अब तक रेट कर रही है और 5000 से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। इसके अलावा भी अगर आप ईएमआई में लोन भुगतान करना चाहते हैं, आधार पैन के बेस पे घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, ईएमआई में लोन भुगतान करना चाहते हैं, 90 दिनों का समय लेना चाहते हैं, 30 दिनों का समय हो, 60 दिनों का समय हो, इस तरह का एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भाई डेफिनेटली ले सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हो, सैलरीड प्रोफेशनल हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप अपने जरूरतों के हिसाब से लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे कैटेगरीज के ऊपर वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।